अस्सलामुअलैकुम, बखैर आए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस टी व्लॉग्स। तो गाइज, आज के व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ 33rd नेशनल गेम के जो इवेंट है उस पर मैं जा रहा हूँ, और ये तकरीबन पेशावर में हो रहा है और तकरीबन 9 साल के बाद हो रहा है। और ये 9 साल के बाद क्यों हो रहा है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने एक दराज से ऑर्डर दिया था, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर बताता हूँ मैं आपको इसका रीज़न, और फिर जाएँगे वहाँ पर और गेंद भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दराज के प्रोडक्ट आ जाए, तो ये रहा वो प्रोडक्ट जो मैंने दराज से ऑर्डर किया है। अब ये क्या है, ये है एक आई वॉच की कॉपी। अगर आपने एप्पल ब्रांड का नाम सुना होगा तो वो बनाते हैं आई वॉच, ये इसकी कॉपी। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं किस हद तक इसने एप्पल को कॉपी किया हुआ। तो मैं इसको खोलता हूँ और दिखाता हूँ आपको फिर। पैकिंग तो काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है, तो चलें इसको भी खोलते हैं। ये इसका बॉक्स, अभी इसको खोलते हैं और आपको करीब से दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये है इसका बॉक्स, इसको खोलते हैं और देखते हैं कि वॉच किस तरह है अंदर से। तो बॉक्स के अंदर हमें दो चीज़ें मिली हैं, ये है इसकी USB केबल और ये है वो वॉच, जो कि काफ़ी हद तक एप्पल वॉच की तरह ही लग रही है। अब इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं इसके फीचर्स। तो भाइयों और उनकी बहनों, सीन ऐसा हो गया कि यार घड़ी में चार्ज नहीं है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। तो अभी इसको मैंने चार्ज पे लगाया, वो चार्ज हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैं बात कर रहा था कि ये गेम्स हो रही हैं 9 साल बाद, क्यों हो रही हैं 9 साल बाद, चलें वहाँ जा कर ही बताएँगे। लेकिन उससे पहले रेडी होते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं, जाते हैं VIP माहौल में। हाँ तो गाइस, तैयार हो चुका हूँ और जो वॉच मैंने चार्ज करनी थी वो भी मैंने चार्ज कर ली है, देख सकते हैं मेरे हाथ पर है, मेरे हाथ पर है। तो अभी जाते हैं, वॉच के बारे में भी बताएंगे और वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने हमें कार्ड दिया उसके ऊपर तस्वीर चस्पा करनी है। तो मैं आरम को कॉल कर रहा था, उसने नहीं उठाई और अभी कॉल आ ही गई है, देखें। तो अभी जाते हैं, तस्वीर चस्पा करते हैं और देखते हैं क्या होता है फिर। हाँ तो गाइज, मैं इवेंट में पहुंच गया और मैं इस कार्ड की बात कर रहा था, अभी इस पर हम तस्वीर चस्पा करेंगे। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास ग्लू नहीं है, तो इसको बाद में चस्पा करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये इवेंट 9 साल बाद क्यों हो रहा है, क्योंकि 9 साल पहले ऐसा सीन था कि पेशावर के, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पेशावर के हालात इतने बेस्ट नहीं थे। तो ये 9 साल पहले जब इवेंट हो रहा था तो इसके जो एक गेट पे धमाका भी हुआ था, तो जिसकी वजह से ये 9 साल बाद हो रहा है। तो ये बात है, और ये 9 साल बाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सुकून है, सेफ़ है, अब वो उस टाइप के जैसे हालात नहीं हैं, अब बहुत बेस्ट हालात हैं। तो चलें अभी आपको दिखाते हैं कि कुछ गेम्स हैं, ये तो अभी रात का टाइम है, हो सकता है कि हम कल भी आएँ और आपको और गेम्स भी दिखाएंगे। तो मेरे साथ आराम है और ये कह रहे हैं कि इधर अभी ये सारे लोग गप लगा रहे हैं, चेक करें आप, यहाँ टेकन गेम खेली जा रही है, वो दिखाते हैं आपको। उसके बाद दिखाते हैं बॉक्सिंग, यहाँ पर बॉक्सिंग भी हो रही है, वो भी थोड़ी बहुत आपको दिखाते हैं। राउंड वन fight. सीन ये है कि हम आए हैं, लेट है, रात है, तो इस वजह से कुछ खास गेम्स नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कल फिर आएंगे सुबह और आपको बताएंगे और गेम्स भी दिखाएंगे।
तो अभी जो गाना चल रहा है मेरा फेवरेट है, और अभी हम घर जा रहे हैं, प्रोटोकॉल में आए थे और प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। सो कल रात घर आने के बाद मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सो गया। तो अभी सुबह उठा हूँ और मैंने सोचा कि जो मैंने कल दराज से जो घड़ी मंगवाई थी तो आपको थोड़ा उसका रिव्यू देते हैं, इसका रिव्यू देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक आई वॉच की कॉपी है, तो इसके अंदर 3 फेसेस दिए गए हैं, वो भी आई वॉच की तरह हैं। तो चले आपको दिखाते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। तो ये है आई वॉच की कॉपी, जिसके मैंने आपको फेस दिखाता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले ये प्लास्टिक हटाते हैं। हाँ, तो ये हट गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो 3 वॉच फेसेस थे, एक वो, सेकंड वाला ये और थर्ड वाला ये, जो कि आलमोस्ट आई वॉच की कॉपी है। थोड़ी सी इसकी बिल्ड क्वालिटी का बताता हूँ, तो एस एप्पल वॉच की कॉपी है, तो उन्होंने तकरीबन उसी तरह बनाई हुई है। और इसमें जो मज़े की बात है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है सीरीज़ 4, और मतलब सीरीज़ 4 की ये कॉपी है। तो सीरीज़ 4 की जो प्राइस है वो तकरीबन होगी मेरे ख्याल से 50,000 से तो ऊपर ही होगी। और अगर आप इसकी प्राइस जानना चाहते तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे होगा, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो बस यही था वॉच के बारे में। वॉच की बात, और जो कल हम इवेंट पे गए थे तो लेट गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी गेम्स नहीं हो रही थी क्योंकि चले गए थे सारे प्लेयर्स। तो मैंने डिसाइड किया कि आज फिर जाएंगे और आपको दिखाएंगे गेम्स दिन के शशके में। फाइनली अब दिन के उजाले में अब आपको दिखाएंगे। हाँ हम क्या सीन है फिर? सीन बस जा रहे हैं गेम्स देखते हैं। वो भी ये पीछे जो हुई है रनिंग हुई है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, और हम क्या कहते हैं इसको? टोपुनो वाला रनिंग। हाँ, टोपुनो वाला रनिंग, मतलब जंप वाली रनिंग। हॉकी हमारा जो क्या कहते हैं उसको, कौमी खेल है। तो अभी आपको दिखाते हैं हॉकी, लेकिन लेडीज़ वर्जन में। अभी आपको दिखाते हैं वॉलीबॉल और उसके शशके, लेकिन उससे पहले जा रहे हैं ज़रा कराटे की तरफ।
अभी स्टेडियम से वापस आ चुके हैं और कपड़े बदल लिए, और यही गेम्स थी जो करीम स्टेडियम में हो रही हैं, और बाकी जो गेम्स हैं वो हैदराबाद कॉम्प्लेक्स में हो रही हैं। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अजी वो खबर आ गया दा सोख दे यो मिनट खा दा 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 मा तो हुआ है दा सोख दे वल्लाह का बेजना खाना।